एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग. दिस इज़ रियली स्पेशल. आई एम गोइंग टू अ फेस्ट. जो आपने अगर पहली वीडियो देखी होगी जहाँ पे मैं ट्रैवल कर रही हूँ, बिट्स पिलानी, यही वो होटल है जहाँ हम रुके थे. दिस इज़ एनएल फोरमैन. और जो एरिया है वो काफ़ी शांत इलाका है. यहाँ से कैंपस थोड़ा दूर था, होटल ठीक ठाक था. जहाँ पर कॉलेज है वो काफ़ी साइड एरिया है, तो थोड़ा सा विलेज वाइब्स भी आ रही थी. साथ में काफ़ी पीसफुल लग रहा था. लग रहा था बहुत दिनों बाद इतना पीसफुल प्लेस में आए हैं. मुझे बिल्कुल अपनी घर जैसी फीलिंग आ रही थी. देखो था ना, एक अलग सा शांत जो फील होता है, जो आपको ना सिटीज़ में नहीं फील होगा, मुझे यहाँ पे आके बिल्कुल वैसा ही लगने लगा था. तो ये आप लोकल एरिया देख रहे हो वहाँ पे चलाने का. ये एक बहुत ही प्यारा सा रिसॉर्ट दिख रहा था मेरे को जाते समय. अब हम चलेंगे कैंपस. बचपन से सुनते आ रही थी बिट्स पिलानी के बारे में, उसके कैंपस के बारे में, कि बहुत ऑसम होता है. और मुझे पहली बार मौका मिला कि इनके मैं फेस्ट में आके पूरा कैंपस घूम सकूं, प्लस इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है पूरे साल का, उसको अटेंड कर सकूं. ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये इनका नाइट मेस है, सिर्फ नाइट मेस. आपको पता है इसकी जो टाइमिंग है वो रात के 8 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक है. और यहाँ पर क्या नहीं मिलता है, साउथ इंडियन से लेके इटालियन फूड, चाय, जूस, कॉफ़ी, जो लेना है सब कुछ अवेलेबल है. क्वालिटी ऑसम और प्राइसिंग ऑसम. लाइक कोई भी चीज़ मुझे 200 से ज़्यादा तो थी ही नहीं. ठीक है, ये डोसा लाइक 60 रुपीज़ का, चाय आपका हो गया 20 रुपये का. और क्वालिटी बहुत अच्छी, सच बता रही हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा. अभी तो मेरा मतलब मुश्किल से ये फर्स्ट आवर चल रहा है कैंपस के अंदर. मैं आते ही खाने लग गई क्योंकि फेस्ट स्टार्ट होने में टाइम था. तो चलो ठीक है, पहले खा ही लेते हैं. ग्राउंड जाने के रास्ते में जहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा है, यहाँ पर मेरे को रास्ते थोड़ा बिल्डिंग्स जो आसपास थी उसमें भी मैं थोड़ा घूम ली कि कैसा है. और मैं सच बता रही हूँ, आई वाज रियली अमेज्ड कि कितना ज़्यादा ऑसम कैंपस है इनका. अभी लिटरली मेरा फर्स्ट आवर ही है कैंपस के अंदर. ये जो आप देख रहे हो ये भीड़ है, ठीक है, ये भीड़ है बाहर से आने वाले लोगों की. और ये अंदर ये लोग सारे स्टूडेंट्स लगे पड़े हैं मैनेज करने में सिक्योरिटी को. वो तो अच्छी बात थी, मुझे थोड़ा स्पॉन्सर्ड एरिया में पास मिला हुआ था, जिसके कारण मेरे को काफ़ी आसानी हुई अंदर जाके लेस क्राउडेड एरिया में रहने का. इनका कैंपस लिटरली इनका जो जहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा था वो एरिया इतना ज़्यादा बड़ा था, ऐसा लग रहा था कि एक पूरा टाउन के लोग जो है वहाँ पे फिट हो सकते हैं. तो मैं जा रही थी, मैं फिर चलो ठीक है, थोड़ा कॉन्सर्ट फीलिंग के लिए ये सब नियॉन वाली जो स्टिक्स होती है वो भी ले लेते हैं. इनका जो फेस्ट है ओसिस, ये पूरे 10 दिन का होता है. और ऐसा नहीं कि रात में बंद हो जाता है, ये सुबह तक चलता है. मतलब ये नॉन स्टॉप है, कभी बंद ही नहीं होता है. आपके रात के अलग इवेंट्स हैं, दिन के अलग इवेंट्स हैं, मतलब दिन भर रात भर इनका फेस्ट चलते रहता है, कुछ ना कुछ होते ही रहता है. मतलब सोना है ही नहीं, जिसको जो अटेंड करना है वो जाके अटेंड करो. कैंपस इतना बड़ा है, हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है. आज जो कॉन्सर्ट है यहाँ पर EDM नाइट है, और एक टेबल गाय है जो आ रहा है. और ये आप देख रहे हैं क्राउड को, कितने एक्साइटेड है यहाँ के बच्चे. और आई थिंक बाहर के भी लोग आ रहे हैं. ये कॉमन एरिया है, यहाँ पे पूरे क्राउड को फिट किया जाएगा, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है. मैं वापस से ग्राउंड से निकल गई थी, मैं सोची थोड़ा और घूम लेते हैं. चलिए थोड़ा और देखते हैं कैंपस को रात में कैसा है. तो ये जो आप देख रहे हो राइट साइड, ये हॉस्टल्स है. ठीक है, ऐसे तो ताकना अच्छा नहीं है अंदर, पर ठीक है चलो देख लेते हैं. काफ़ी अच्छा लग रहा है हॉस्टल्स. और ये ज़्यादा तो देख नहीं पा रहे अभी, बट ये इनकी स्ट्रीट्स है, लिटरली कॉलेज के अंदर की स्ट्रीट्स है. और अंदर ही इनका ऑटो चलता है, और ऑटो भी 30 रुपये इधर से उधर ले जाने की लेता है पर पर्सन.
कभी मैंने ऐसे मॉडर्न तरीके से किसी को तबला बजाते हुए नहीं देखा था। बहुत ही ऑसम और बहुत ही अलग लेवल का यू नो इनका ये कॉन्सर्ट चल रहा था। मुझे तो लगा था कि ये बस आज का EDM इसी में कवर हो जाएगा। आप लोग को भी देख रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, कुछ लोग यू नो अपने सोच रहे हैं कि चलो ठीक है थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब थोड़ा कॉमन सा माहौल है, बट मुझे लगा था कि ये लास्ट है, बट भाई ये तो शुरू ही हुआ था अभी। असली मजा तो इसके बाद आने वाला था, अभी देखना क्या होगा। लेट हो गया था, 2 बज रहे थे, फिर मैंने बिरयानी खाई और फिर मैं वापस होटल चली गई।